नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉर्थन रीजन के कैंडिडेट SSC CHSL एडमिट कार्ड ऑनलाइन किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा आप SSC। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब सिंपली एडमिट कार्ड पे क्लिक करें। जैसे ही एडमिट कार्ड पे आप क्लिक करोगे, तो सभी रीजन का यहाँ पे डायरेक्ट लिंक आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसे नॉर्थन रीजन का देखना है, NR रीजन का देखना है, तो यहाँ पे नॉर्थन रीजन पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अगर ये इस तरीके से पेज ओपन होके नहीं आता है, इस तरीके से अगर आपके सामने ओपन होके आता है, तो ये जो एडवांस्ड है इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इसमें जो आ रहा है कंटिन्यू टू www.ssenr.net.in, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। और अगर यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप प्राइवेट विंडो ओपन करके जब आप इसको ओपन कीजिएगा, तब ये इजीली ओपन हो जाएगा। तो जैसे हमारे हमारा कंटिन्यू टू www.ssenr.net.in अनसेव, इस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक हेयर पे आप क्लिक करोगे, तो ये दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। यहाँ पे ये जो कैंसिल वाला है, तो कैंसिल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड योर एडमिट कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है जी, तो यहीं पे हम कर देते हैं डाउनलोड योर एडमिट कार्ड पे। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर आ रहा है, एडमिट कार्ड फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल Tier 1 एग्जामिनेशन 2021, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आएगा, तो ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करें और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप तीन तरीके से एडमिट कार्ड अपना निकाल सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के, दूसरा रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल के। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नहीं पता, तो जो ईमेल आईडी आपने डाली थी SSC का फॉर्म, SSC HSL का फॉर्म भरते टाइम, तो उस ईमेल आईडी को लॉगिन करके उसमें सर्च कीजिएगा SSC स्पेस रजिस्ट्रेशन, तो वहां से आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल पा रही है, तो तीसरा ऑप्शन आपके लिए कारगर रहेगा। तो यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए, यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिए, यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर डाल के सर्च स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी दिख जाएगी, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम डेट, किस डेट में एग्जाम है, किस सिटी में एग्जाम है, किस टाइम आपको रिपोर्टिंग करना है, वहाँ अवेलेबल रहना है, और कब गेट क्लोज हो जाएगा वो टाइम भी दिख जाएगा, और कितने बजे से एग्जाम वो दिख जाएगा, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट वो दिख जाएगा। यहाँ पे फोटो साइन आपका दिख जाएगा, और 4 दिन पहले यानी जिस डेट में आपका एग्जाम, जैसे हमारा एग्जाम जो है 26 मई में है, तो आज 22 मई हो गई है, तो आज ये एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो गया है। तो यानी जिस डेट में आपका एग्जाम है, उस डेट से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है, क्लिक हेयर टू प्रिंट डुप्लीकेट एडमिट कार्ड, इस पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका एग्जाम 27 मई में है, तो कल आप डाउनलोड कर सकते हो, 23 मई में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे हमारे 26 मई में है, तो आज हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से आ जाता है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, और यहाँ पे जेंडर, वो हो गया, कैटेगरी हो गई। यहाँ पे फोटो साइन आपका दिख जाएगा, यहाँ पे सेंटर दिख जाएगा किस सेंटर पे आपका एग्जाम है, और यहाँ पे आपका एड्रेस दिख जाएगा, यहाँ पे टाइम दिख जाएगा किस टाइम एग्जाम है, और कब गेट क्लोज हो जाएगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आ जाइएगा, और प्रिंट इसका निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रिंट दिस पेज पे क्लिक करके प्रिंट इसका आप निकाल सकते हैं। और इसके नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन, तो ये फॉर्म है COVID-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका भी आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा। यहाँ पे नाम, कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, एग्जाम नेम, एग्जाम डेट, किस शिफ्ट में एग्जाम है, एग्जाम वेन्यू, किस सेंटर पे एग्जाम है, उस सेंटर का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। इसी तरीके से इसको हिंदी में भर लीजिएगा और आप ले जाइएगा। ये आपका एडमिट कार्ड हो गया, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, तो दोनों का आप ले जाइएगा।
और उसके बाद वो आईडी लेके चले जाएगी, जैसे पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ आपका, तो जिसमें आपकी सेम डेट ऑफ बर्थ है, जैसी आपके उसमें है एडमिट कार्ड में, एसएससी सीएचएसएल के एडमिट कार्ड में जो डिटेल है, जैसे नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसा ही आईडी आप लेके जाइएगा, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। और इनमें अगर आपकी डिटेल मैच नहीं हो रही है, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही है, या नाम, फादर नाम मैच नहीं हो रही है, तो जो आपका हाई स्कूल वाला सर्टिफिकेट है वो भी आप लेके जा सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें कंप्लीट होनी चाहिए, डेट, मंथ, ईयर, जैसी एडमिट कार्ड में है आपके मैसेज सीएचएसएल के में, ऐसे ही उसमें होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम, और 2 या 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाइएगा। तो ये मस्ट आप लेके जाइएगा। फर्स्ट हो गया एडमिट कार्ड, सेकंड कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो मैंने आपको बताया किस तरीके से निकालना है। थर्ड वो आईडी आप लेके जाइएगा जिसमें आपकी सेम डिटेल है, जैसे आपके एसएससीएचएसएल के एडमिट कार्ड में है। आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, 10th का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जा सकते हैं, लेकिन डिटेल सेम होनी चाहिए जैसी वो आपके सीएचएसएल के एडमिट कार्ड में है। और फोर्थ हो गया, आप 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइएगा, जैसे फोटो आप ऐसा ही लेके जाइएगा जैसे आपके सीएचएसएल के एडमिट कार्ड में है, और मास्क भी लेके जाइएगा। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की ये आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर आप मोबाइल में भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हो एसएससीएचएसएल का, तो क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, और जैसे ही ओपन करोगे उसके बाद राइट टॉप में जो 3 पैरेलल लाइंस या डॉट होंगे उस पर क्लिक करोगे, डेस्कटॉप मोड ऑन करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल पे। मोबाइल पे डाउनलोड करने का तरीके की ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, उसको देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो जो भी आपके डाउट रहेंगे उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। और प्लेलिस्ट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से प्लेलिस्ट हमने ऐड कर रखी है, इन वीडियो को भी आप देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।